हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँ DSSB की तरफ से यहाँ पे कल एक नोटिस आया था, तो उसके बारे में पूरी डिटेल, पूरी वीडियो एंड तक देखते रहना। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, हो सकता है तो वीडियो को शेयर भी देख कर देना। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। 9/12/2021 का नोटिस है, यानी कि कल का ये नोटिस है। पोस्ट कोड यहाँ पे 12/21, जो कि लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रुप सी की है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वैकेंसी वगैरह टोटल यहाँ पे 66 है, जिसमें से EWS 6 हैं, जनरल 30 है, OBC 17, SC 9 और ST यहाँ पे 4 है। ठीक है, PWD और एक्स सर्विसमैन की टोटल में काउंट नहीं होती, आपको पता होगा। अब यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, वैकेंसी में यहाँ पे कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करें, पर यहाँ पे जो एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी थी वो पहले 0 थी, अब यहाँ पे 6 कर दिए। अब क्या होगी कि जो एक्स सर्विसमैन है उन्होंने तो फॉर्म ही नहीं भरा होगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है, उसने फॉर्म ही नहीं भरा होगा। तो इस वजह से DSSB ने यहाँ पे क्या करा है भाई, यहाँ पे 13/12/2021 से लेके, यानी कि अभी 2-4 दिन बाद से यहाँ पे फॉर्म के लिंक स्टार्ट हो जाएंगे दोबारा से। अगर आप एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हो, ओनली फॉर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए यहाँ पे फॉर्म ये निकाले जाएंगे। 13/12 से लेकर 27/12 तक यहाँ पे एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, और कोई भी इसमें फॉर्म कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, बस ये इन्हीं कैंडिडेट के लिए जो एक्स सर्विसमैन है, जिन्होंने ये फॉर्म नहीं भरा है। ठीक है, तो यार उम्मीद है सबको समझ में आ गया, कोई डाउट रह गया हो, कुछ पूछना हो, बताना हो तो नीचे कमेंट कर देना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।